नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और जो आपके पिछली परीक्षाओं में जो की प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसमें बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन है, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। दोस्तों आप लोगों को बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें विटामिन B1 की कमी से दोस्तों आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन बी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है आप लोग बताइए क्या होता है इसका। इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपका रतौंधी होती है। क्या होती है, रतौंधी होती है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से दोस्तों आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी का तो आप लोग पता ही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आपका, स्टार्च से क्या संबंधित है। दोस्तों आप लोग बताना, जो स्टार्च होता है इससे क्या संबंधित है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है गैलेक्टोज। दोस्तों आप लोग बताइए स्टार्च से क्या संबंधित होता है। दोस्तों आपका ये ग्लूकोज होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है दोस्तों आपका सही है, स्टार्च जो है ग्लूकोज से संबंधित होता है। दोस्तों इसका जो है रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों आपका क्या होता है आप लोग बताइए। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपका जो फ्रक्टोज है दोस्तों ये क्या है आप लोग बताइए। ये जो दोस्तों ये मीठे में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फ्रक्टोज जो है दोस्तों आपको ये मीठे में पाया जाता है, ये जैसे कि शहद में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये शहद में पाया जाता है। ऑप्शन सी है आपका दोस्तों, ये सुक्रोज है। सुक्रोज में दोस्तों मोनोसैकेराइड के दो अणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसमें मोनोसैकेराइड होता है, सुक्रोज होता है, इसमें मोनोसैकेराइड के दो अणु होते हैं, जैसे होगा दोस्तों आपका माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इसमें ये पाया जाता है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, जैसे गैलेक्टोज को हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। जी गैलेक्टोज है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। किसका दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों ये आपका सबसे सरल अवस्था होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ में आया होगा आपको। चलते हैं दोस्तों आज के हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों के सामने दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके रेलवे में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमिल को कठोर बनाता है। ठीक है दोस्तों वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को, ठीक है दोस्तों, इनेमल को दोस्तों आपको कठोर बनाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी है दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन सी है दोस्तों आयोडीन, ऑप्शन डी है दोस्तों सोडियम। दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इसका आंसर दोस्तों बी होगा, फ्लोरीन जो है। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन जो है आपका ये इसके दंत इनेमल को कठोर बनाता है, फ्लोरीन के कारण दोस्तों आपका ये कठोर बनता है। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी कैल्शियम जो है दोस्तों ये जो आपका ये दांत में 85% होता है, कितना होता है दोस्तों, ये आपका 85% होता है। और आयोडीन जो है इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है आपका, क्या होता है दोस्तों, घेंघा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, घेंघा रोग होता है। और ये सोडियम जो है जो आपका दोस्तों क्या है, ये पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। किसमें दोस्तों, लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग, किसमें, पेशियों के दोस्तों किसमें, संकुचन में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके ये आपके जो एएलपी के एग्जाम हुए हैं दोस्तों,
ग्रुप डी के, इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए दोस्तों। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों आप करके जाइएगा। चलिए दोस्तों आज के हम अपनी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके रेलवे में भी काफ़ी, आपके FTS में और दोस्तों आपके ग्रुप डी में ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जनन क्षमता में कमी होती है दोस्तों, वो कौन सी विटामिन है दोस्तों जिससे जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन ए है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी है दोस्तों विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी है दोस्तों विटामिन ई की कमी से। दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। दोस्तों आप कुछ चीज़ों को आप दोस्तों आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को अगर पता है तो विटामिन ए क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए से क्या हो गया, रतौंधी होती है। विटामिन बी से दोस्तों बेरी बेरी होता है। विटामिन के का दोस्तों आपको पता है थक्का जमने वाला जो होता है, तो विटामिन ई आपको सीधे सही हो गया दोस्तों। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को कट करके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर तीन ऑप्शन आ रहा है, चौथा आपको नहीं लग रहा है इसका है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या, विटामिन ई की कमी से दोस्तों जनन क्षमता में कमी आ जाती है दोस्तों, चाहे पुरुष हो, मेल और फीमेल दोनों में ये कमी आती है दोस्तों। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका पानी में घुलनशील है दोस्तों, पानी में जो घुलनशील होता है ठीक है दोस्तों, वो कौन सा होता है, बी और क्या होता है, सी होता है। और जो वसा में जो होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं वसा में जो होता है वो होता है के ई डी ए। इसको कैसे याद कर सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा से इसको याद रख सकते हैं ठीक है दोस्तों। ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं, देखिए ठीक है दोस्तों, वसा में जो ये आपका वसा में घुलनशील, इस तरह से याद रखते हैं, जो कीड़ा है वसा में नहीं घुल सकता है, इस तरह से याद सकते हैं के ई डी ए। बी सी जो है पानी में घुलनशील है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं दोस्तों आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों, जो कि हमारे इस सीरीज का आज का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका क्या है, ग्लूकोज और फ्रेक्टोज, ऑप्शन सी है आपका लैक्टोज, ऑप्शन डी है दोस्तों सभी। दोस्तों आपका ये तीन टाइप के होते हैं जो सेकेराइड जो होते हैं दोस्तों। एक होता है मोनोसेकेराइड ठीक है दोस्तों, मोनोसेकेराइड होता है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये मोनोसेकेराइड होगा ठीक है दोस्तों। और एक आपका क्या होता है दोस्तों, आपका जो होता है आपका डाईसेकेराइड होता है ठीक है दोस्तों। क्या होता है डाई, आपका क्या होता है दोस्तों, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, क्या होता है डाई, क्या होता है सेकेराइड ठीक है, डाईसेकेराइड होता है ठीक है दोस्तों। और एक आपका क्या होता है दोस्तों, आपका पॉलीसेकेराइड होता है, क्या होता है दोस्तों आपका पॉलीसेकेराइड ठीक है दोस्तों, सेकेराइड ठीक है दोस्तों। ये तीन टाइप के होते हैं ठीक है दोस्तों। ये मोनोसेकेराइड के अंदर क्या आता है दोस्तों, आपका आता है मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रेक्टोज हो गए ठीक है दोस्तों। ये आपका ये ऑप्शन है, ग्लूकोज और फ्रेक्टोज हो गए मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं ठीक है दोस्तों। और डाईसेकेराइड के अंतर्गत आपका दोस्तों क्या क्या आते हैं, डाईसेकेराइड के दोस्तों माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों आपका माल्टोज, और आपका क्या आते हैं दोस्तों सुक्रोज, और क्या आते हैं दोस्तों आपका लैक्टोज ठीक है दोस्तों, लैक्टोज आते हैं ठीक है दोस्तों। ये चीज़ों को आप लिख लीजिएगा कॉपी पेन से। और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आते हैं, आपका इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं आप लोग लिख लीजिएगा, आपका आता है स्टार्च हो गया ठीक है दोस्तों, स्टार्च हो गया, और क्या आता है दोस्तों आप लोगों का ग्लाइकोज हो गया ठीक है दोस्तों, क्या हो गया ग्लाइकोज हो गया, और दोस्तों आपका सेल्यूलोज हो गया, क्या हो गया आपका दोस्तों सेलू, क्या हो गया दोस्तों आपका सेलुलोज हो गया ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो गया आपका सेलुलोज हो गया ठीक है दोस्तों। आप इस चीज़ों को दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, जो मल्टोज के अंतर्गत क्या दो दोस्तों, आप मोनोसेकेराइड के अंदर दो आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, डाईसेकेराइड के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है मल्टोज सुक्रोज लैक्टोज आता है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत दोस्तों आपका क्या आता है स्टार ग्लाइकोज और सेलुलोज आता है ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को दोस्तों आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आप लोगों को हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल में पहली दफ़ा आए दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसी तरह की और भी मैथ और साइंस के प्री मेसेज के क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।